दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के कारनामे तो आपने सुने होंगे और देखे ही होंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को टक्कर देकर बहुत आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे पानी से सोना बना जा सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, प्राचीन काल से ही धातुओं और रसायन के मिश्रण से सोना बनाने की काफी प्रयास हुए हैं। इस विधा को एल्केमी या रस विधा कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक एल्केमी की पहली सुलझा ली है। शोधकर्ताओं ने पानी से ही सोना बना डाला है। दोस्तों, चेक गणराज्य में प्राग की चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, भौतिक रसायनविदों ने क्षारी धातु की मदद से यह कर दिखाया है। उन्होंने पानी को सुनहरी चमकीली धातु में बदल दिया है। आमतौर पर किसी चीज पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से वह धातु में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, क्षारी धातु सोडियम पोटेशियम जैसे प्रतिक्रियाशील तत्वों का समूह होता है। चुनौती यह है कि पानी के संपर्क में आने पर यह विस्फोटक में तब्दील हो जाता है। इसके लिए ऐसा प्रयोग तैयार किया गया है जिससे प्रतिक्रिया धीमी हो जाए और विस्फोट न हो। दोस्तों, एक सिरिंज के जरिए शोधकर्ताओं ने मिश्रण की हर बूंद को पानी की भाप की छोटी सी मात्रा दिखाई, जिससे एक माइक्रोमीटर के दसवें हिस्से जितनी मोटी परत बनी। इस परत में इलेक्ट्रॉन तेजी से धात्विक आयन के साथ पानी में घुल गए और चंद सेकंड के अंदर वह परत सोने की हो गई। इस प्रयोग में उच्च दबाव की जरूरत नहीं पड़ी थी। दोस्तों, धातु के अणु मॉलिक्यूल इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन सहभागी हो जाते हैं। ऐसा ही एटमॉस्फेरिक दबाव पानी पर देने से हो सकता है। हालांकि लैब तकनीक में ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आप और हम में से किसी को जेल जाने को कहा जाए तो एक न्यूज ही सुनकर हमारी हालत खराब हो जाएगी और तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम जेल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि जेल कैसे खस्ता हाल होती है और वहाँ कितना अंधेरा होता है जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। लेकिन एक ऐसी भी जेल है जहाँ कैदियों को 5-स्टार होटल के जैसी सुविधा मिलती है। यह सुनकर कोई भी कैदी यहाँ बड़ी खुशी खुशी जाना चाहेगा। दोस्तों, कैदियों को 5-स्टार जैसी सुविधा देने वाली यह जेल नॉर्वे में स्थित है, जिसका नाम बेस्टॉय जेल है। यह नॉर्वे के ओस्लो तट के करीब 75 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर स्थित है। दोस्तों, इस जेल में सिर्फ 115 कैदी ही रह सकते हैं। दोस्तों, बेस्टॉय जेल में रहना हर कैदी के लिए छुट्टियां बिताने जैसा ही होता है। यहां कैदियों को तमाम लग्जरी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रत्येक कैदी का अपना अलग रूम होता है और हर कमरे में टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और साथ ही कैदियों को फोन यूज करने की भी छूट होती है। इस जेल में कैदियों को घुड़सवारी करने और टेनिस खेलने की भी सुविधा बिंदास दी जाती है। दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि किसी फिल्म में या रियल लाइफ में किन्हीं दो इंसानों में से एक इंसान को चुनना पड़े और उसे हीरो बनाना पड़े तो आप किन्हें चुनेंगे? वो पहला आदमी जिसका बॉडी बहुत अच्छे शेप में है और वो फिट है, और दूसरा आदमी जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है और उसका शरीर भारी भरकम है और काला है, तो आप किसे चुनेंगे बताइए। दोस्तों, इसमें बेशक जिस इंसान का बॉडी एकदम फिट है आप उन्हें हीरो बनाना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों इस देश में यहाँ उल्टा होता है। दोस्तों, इस जगह में जिसका पेट जितना ज्यादा निकला रहेगा और जिसका शरीर बहुत भारी भरकम रहेगा वही हीरो बनेगा। दोस्तों, इस जगह का नाम है इथोपिया, जहाँ कई आदिम संस्कृतियों का देश है। यहाँ एक दिलचस्प अनुष्ठान और परंपराओं के साथ कई जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें से एक है बोधी जनजाति, जिसके पुरुष आमतौर पर अधिक वजन वाले होते हैं क्योंकि ये बड़ी मात्रा में शहद का सेवन करते हैं। दोस्तों, इस समुदाय में वजन का महत्व इतना ज्यादा है कि एक समारोह का आयोजन कर सबसे मोटे व्यक्ति को चुना जाता है और उसे जीवन भर की प्रसिद्धि, सम्मान और मनपसंद लड़की से शादी करने की आजादी मिल जाती है। दोस्तों, बोधी पुरुष अपने कमर के चारों ओर कपास की पट्टी पहनते हैं या फिर नग्न ही घूमते हैं। बोधी जनजाति पूरी तरह से पशुपालन और मवेशियों पर आधारित होती है। दोस्तों, बोधी परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का पिता आमतौर पर उसे एक बैल और एक गाय का उपहार देता है। बोधी जनजाति की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा है। दोस्तों, ये लोग बहुत मिलनसार लोग होते हैं और यह नए लोगों के लिए बहुत सम्मान रखते हैं। दोस्तों, ये बोधी जनजाति के लोग अपने सांस्कृतिक समारोह में पशु बलि का उपयोग करते हैं और मवेशी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बोधी समुदाय गायों को दुल्हन को दहेज के रूप में प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपको कहे कि हीरो किसे बनाना है तो थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।